वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। आपने मदरसों की बहुत सी खबरें सुनी होंगी जिसमें यहाँ पर कभी यौन उत्पीड़न की खबर सामने आती है तो कभी वहाँ से हथियारों का जखीरा बरामद होता है। ऐसी बहुत सी खबरें आपने सुनी होंगी कि मदरसों से गैर कानूनी काम हो रहा हो, लेकिन जब से योगी सरकार सामने आई है, योगी सरकार ने एक्शन लिया है, तब से अब हर जगह की तस्वीर बदल रही है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर ना कोई स्कूल बड़े है की है और ना कहीं पार्क की है, ये तस्वीर है मदरसे की जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। इस तस्वीर ने एक बात तो साफ कर दी है कि योगी सरकार कितनी सख्त है और योगी सरकार के एक्शन से लोग कितना थर थर कांपते हैं। दरअसल आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। सुबह से ही जगह जगह योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें लोगों ने हिस्सा लेकर योगासन किया। गाजीपुर के मदरसों में भी बच्चे योग करते नजर आए। यहाँ सुबह 7:30 बजे ही योग कार्यक्रम शुरू हो गया था। आपको बता दें, गाजीपुर जिले में अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी ने सभी मदरसों में सुबह योग करने के सख्त निर्देश दिए थे। गाजीपुर के मदरसा दारुल उलेमा कादरी दायर शाह अहमद ने दो अलग अलग जगह पर योग कार्यक्रम किया था जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मदरसे में सभी बच्चों ने योग किया। आपको बता दें, ये कोई पहले ऐसा मदरसा नहीं जहां पर योग, ऐसे यूपी के अलग अलग मदरसों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर योग करते बच्चे दिखे हैं। मदरसा में योग दिवस का कार्यक्रम करीब 1 घंटे चला जिसमें सैकड़ों बच्चे शामिल रहे। इस दौरान बच्चे को अलग अलग योग आसनों के बारे में बताया गया। मदरसे के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया वो काफ़ी दिनों से इसका प्रयास कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। मतलब एक तरफ तो जिस तरीके से मदरसों से जो गलत खबरें सामने आती थी और दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, मतलब साफ है योगी सरकार का सख्त निर्देश और योगी सरकार का डंडा जब चलता है तो बड़े से बड़े जो मौलाना हैं, जो गलत बयान देते हैं, उनका भी मिजाज बदल जाता है, जिसकी तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।